बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 16 जून है साल 2022। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवन फील्ड अपार्टमेंट केस की अपीलों पर समाप्त हुई है। मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए हैं। कमरा अदालत में सिद्दीक जान से मरियम नवाज की क्या लड़ाई हुई है? क्या अब सिद्दीक जान की जिंदगी को खतरा है? मरियम नवाज जजेस को जादू के जरिए जेर करने की क्या कोशिश कर रही थी? ये लड़ाई, इसका आगाज कैसे हुआ और परवेज रशीद ने फिर जलती पर कैसे तेल डाला? बड़ी आम तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने लगा हूँ। शेख रशीद ने DGISI से आज DGISPR से एक बड़ा शिकवा किया है। इसी से हम आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शेख रशीद, आपको इल्म है कि एक दबंग शख्सियत है, लेकिन उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और कहा जाता है कि कभी भी रावलपिंडी से उनके राबते नहीं टूटे। लेकिन आजकल कुछ ऐसे तर्जमान साफी है जो ये दावा करते हैं कि अब शेख रशीद के लिए भी गेट नंबर 4 के दरवाजे बंद हो चुके हैं। शेख रशीद ने जो गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने उनका जिक्र किया और बताया कि शेख रशीद बात दुरुस्त नहीं कर रहे, तो जो मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर अस्करी लीडरशिप ने इत्तफाक नहीं किया था कि ये कोई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई है। अब साजिश और मदाखलत के अल्फाज के अंदर वैसे उलझाने का जो मामला है, इस पर पूरी कौम वैसे हैरान है, लेकिन सब लोगों को इल्म भी है कि इन अल्फाज के होते हुए भी कोई मसला नहीं पड़ता, मुदाखलत हुई या साजिश हुई। बहरहाल अमल दरामद हुआ इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए और उसको रोका नहीं गया। साजिश और मुदाखलत दोनों को रोकना जिनकी जिम्मेदारी थी वो रोक नहीं सके और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। शेख रशीद कहते हैं कि डाकू राज है, 24 रुपए पेट्रोल और 60 रुपए डीजल का इजाफा, गरीब को 2 हफ्तों में तीसरा टीका लगाया गया है। हुकूमत अपने केसेस खत्म और मुखालफीन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। सारी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो फैसला 45 दिन में कुछ भी हो सकता है। नून लीग की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है, यानी मरियम नवाज उनका टोला वो टीवी शो के अंदर है, लेकिन हुकूमत के अंदर इस वक्त शीन लीग है। DGISPR आलामी की साजिश मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। यानी शेख रशीद कहते हैं कि मेरा नाम लेकर आप मामले को मजीद जिंदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब ये सारी हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं और उसकी प्रेस रिलीज सब की मंजूरी से जारी होती है, हालात की संगीनी पर मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जाने लगा हूं। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। और आगे वो कहते हैं कि आसफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर लंगड़ी लूली कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। इम्पोर्टेड और चोर दरवाजे की असम्बली में बजट पर तकरीर करने वाला कोई नहीं। पंजाब असम्बली में मुनारफ अरकान गैर आइनी बजट पास कर रहे हैं। गैर आइनी फैसले मईशत की तबाही पर मुल्क अनकरीब बहुत बड़े फैसले का मुंतजर है। ये तो कहना है यहाँ पर जो है वो बात हुई है जहां पर शेख रशीद की, उन्होंने शिकवा किया है अपने बड़े प्यारे अंदाज के अंदर DGISPR से, लेकिन इस वक्त मामलात काफी एक दूसरे के जो जवाब देने का एक सिलसिला है वो हालात मजीद संगीनी की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर से जो पेट्रोल बम गिराया गया है, बिजली और गैस के बम के साथ मिलाकर आम आदमी बेचारा तो रुल गया है। यकीन मानिए, जब किसान का, मजदूर का, दिहाड़ी वाले का, रेड़ी वाले का, छाबड़ी वाले का थोड़ा सा आप तसव्वुर करें, और इर्द गिर्द ये लोग तो इनको तो पेट्रोल के भी कोटे हैं, सरकारी खर्चे पर मौजे हैं, बिलावल पाकिस्तान में रुक ही नहीं रहा, कभी इधर कभी उधर ताल्लुकात बनाने में लगा हुआ है, और उसकी ये प्रैक्टिस हो रही है ताकि अगली नस्ल पर इन लोगों को मुसल्लत किया जाए। तो आज मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। जो कार्रवाई हुई उस हवाले से तो काफी दोस्त आपको बता चुके हैं कि वहां पर अमजद परवेज एडवोकेट ने अपने कुछ जो सवालात उठाए गए थे मुअज्जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से, उन्होंने सवाल जो है उनका जवाब देने की कोशिश की। और मजीद ये कि अब ये अगली जो समात है वो 23 जून को होगी और 1 बजे आज की समात का
आगाज हुआ है और ये काफी देर जो समात है वो जारी रही है। इमरान खान पहले जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल से वो खिताब करके जा चुके थे। अब यहाँ पर कमरा अदालत के अंदर जब ये पूरी शहादतें हो रही थी तो मरियम नवाज ने तस्बी पकड़ी हुई थी और वो पकड़ कर कुछ पढ़ रही थी और वो जजेस की तरफ फूंक रही थी। ये ट्वीट किया सदीक जान ने। जब ये ट्वीट हुआ तो मरियम नवाज ने अपने दूसरे वकील इरफान कादर एडवोकेट को बुलाया और उनको सदीक जान की ये जो ट्वीट है उससे बड़ा खतरा पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए ये ट्वीट आ रही है, ये इस तरह कमरा अदालत में बैठकर ये बात हो रही है। तो उस दौरान जो कार्रवाई अदालत की जारी थी तो उसको टोका गया और फिर कहा गया कि जाय साहब ये देखिए कि यहाँ पर कमरा अदालत के अंदर ये सदीक जान जो है ये ट्वीट कर रहा है। तो ये जो पूरा मामला है पहले ये मैं आपके सामने रखता हूं ताकि फिर अंदाजा हो कि ये असल में क्या हुआ है। हुआ ये है कि मरियम नवाज ने दौरान समात इरफान कादर को अपने पास बुला लिया। मरियम नवाज की बात सुनकर इरफान कादर जो वकील हैं वो रोस्टरम पर आ गए और मरियम नवाज के दूसरे वकील इरफान कादर ने अदालत में सहाफी सदीक जान की शिकायत की। माजरत खा हूं के समात रोक कर एक बात करना चाहता हूं। अदालत ने समझा जजद ने कि बड़ा कोई आम मामला है। सिद्दीक जान उन्होंने कहा कमरा अदालत में मरियम नवाज से मुतालिक ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट में लिखा जा रहा है कि मरियम नवाज तस्बी पढ़कर अदालत पर असरअंदाज हो रही है। सिद्दीक जान ने इल्जाम लगाया कि मरियम नवाज कुछ पढ़कर जजद पर फूंक रही है। जजद का मरियम नवाज की शिकायत पर कोई एक्शन लेने से उन्होंने गुरेज किया और आप इस मामले पर हम क्या कहें, यानी अब हम इस मामले पर क्या कहें। जस्टिस आमर फारूक ने कहा जजद का सदीक जान के खिलाफ कोई हुक्म जारी करने से गुरेज और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो इस पर मजीद कोई ऐसी बात न करें और ये देखना चाहिए और कोई भी कमरा अदालत के अंदर इस तरह ट्वीट ना करें। तो कार्रवाई तो नहीं हुई लेकिन बात यह है कि एक सहाफी ने ट्वीट की और आपको याद होगा साबिक खातून अवल बुशरा बीबी वो भी एक जो भी पढ़ती हैं विरद वजीफा करती हैं लेकिन पूरा जो सहाफत का टोला है आत्मा शराजी से लेकर गरीदा हामद मीर आगे सलीम साफी फिर वो सहाफी तो अपनी जगह है जो नौकर चाकर हैं जरदारियों और शरीफों के और बिलावल तक ने जिक्र किया उसका लेकिन जो शहबाज शरीफ है उसने भी जिक्र किया वहां पर मुर्गियां जलाई जा रही हैं। तो एक ऐसा तासर बनाया गया मुसलसल प्रोपेगंडा किया गया कि इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी वो जादू टोने से हुकूमत चला रही है। कई मरतबा ये बयानात दिए गए लेकिन उस पर फिर लिखा भी गया और बड़ी डटाई और बेशर्मी के साथ ये तमाम तर इल्जाम लगाए गए। अगर उनसे कहा जाए कोई सबूत दे तो वो सबूत नहीं देंगे। तो आज क्या मरियम नवाज वहां पर जजद पर पढ़कर जो फूंक रही थी वो उन पर कोई जादू कर रही थी या उन पर कोई रूहानी वजीफा आजमा रही थी। वजीफे जायद होते हैं, दम जायद होता है। कोई जो कुरान मजीद या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से मुबारका पढ़ी जाती है वो नाजायद नहीं होती, वो जायद अमल होता है और शरीयत के अंदर जायद है। लेकिन सवाल यह है कि जब इसी तरह कोई और अमल करे और उस अमल के एतबार से ये कहा जाए कि जनाब ये जादू टोना है तो फिर एक गिलास मखसूस किस्म का गिलास वो हर महफल के अंदर मरियम नवाज लेकर जाती हैं तो क्या किसी पीर फकीर ने उनको ये जादू का नुस्खा दिया हुआ है। और आज जो यहां पर पढ़ा गया है और इस पढ़ने के बिना पर वो तस्बीह का जो जिक्र हुआ है तो यकीनी तौर पर ये भी कोई जादू टोना करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये वो बेसिकली वो सवाल है जो मरियम नवाज ने अपने वकील के जरिए आज जो सदीक जान है उनसे ये लड़ाई की है। लेकिन शरीफ खानदान फिर उनकी वफाक और नीचे सूबे के अंदर हुकूमत फिर गुल्लू बट्टों की एक फौज इन हालात के अंदर अब सदीक जान की जो जान है यकीनी तौर पर उसके लिए खतरात हो सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं भी बात करूंगा, उनको अप्लाई करना चाहिए और अगर कोई उनको कुछ होता है और ये चूंकि बड़े बड़े माफियाद हैं इनके खिलाफ बात करना और फिर जिस तरीके से यहाँ मुदाखलत की गई और इस ट्वीट की तकलीफ हुई और आगे फिर जो तकरार हुई है उस मरियम के अंकल के साथ ये मजीद जो है ये चीज़ें जो है वो खतरात आगे पैदा कर सकती हैं। और इसके अंदर जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि परवेज रशीद
उन्होंने आज जो है इस पूरे मामले पर क्या बात की है, उन्होंने कहा चुके ट्वीट वो डिलीट कर दिया सिद्दीक जान ने अदालत के एहतराम में, और ये कहा गया जो वहां पर मौजूद थे परवेज रशीद, उन्होंने कहा जी ये झूठा ट्वीट किया गया है, ये झूठा अब इसने डिलीट कर दिया है। तो इस पर जो सिद्दीक जान है उन्होंने फिर कहा कि मैंने ट्वीट अदालत के एहतराम में मैंने ट्वीट डिलीट किया है, और परवेज रशीद कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। इमरानी साफी झूठ की 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री आज इस वक्त फौरन ही बंद हो गई, जब वकील इरफान कादर ने जजों की तवज्जो दिलाई कि सिद्दीक जानी नामी शख्स अदालत में खड़ा होकर मरियम साहिबा के बारे में झूठे ट्वीट कर रहा है, झूठे ने फौरन ही ट्वीट डिलीट कर दी। अब इस पर सिद्दीक जान ने कहा क्योंकि आपने कोर्ट रूम में बैठकर ये ट्वीट किया है तो मैं कोर्ट रूम में खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मरियम नवाज साहिबा तस्बीह पर कुछ पढ़कर जजज पर फूंक रही थी। अब आगे जो है उन्होंने कहा चूंकि अदालत का एहतराम करना था तो मैंने अदालत का एहतराम किया है, लेकिन दोबारा मैं अब अदालत से बाहर ट्वीट कर रहा हूं और इस वजह से जो होता है आपसे वो आप कर सकते हैं। तो इन हालात के अंदर जब इस तरह की जो लोग हैं इनको कहा जाए तो यकीनन इनको दुख और तकलीफ होता है, और अल्लाह ताला सिद्दीक जान जो है उनकी जान की हिफाजत करें। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं वो अनमोल होते हैं, लेकिन जिस तरह का इम्पोर्टेड माफिया इस वक्त इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है उनसे खतरात हैं। जिस तरह सारा मॉडल टाउन दिन दिहाड़े बपा किया, एक आध आदमी जो है उनके लिए क्या काम है, लेकिन आवाम की नजर है और अल्लाह ताला सिद्दीक जान की जो जान है उसकी हिफाजत करे। और ये जादू टोना था या कोई विरद वजीफा था, ये लोगों के अंदर जो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, देखते हैं आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी इस पर किस तरह का कालम लिखती हैं ताकि पता चले ये जायद कोई अमल कर रही थी या नाजायद अमल कर रही थी। ये भी वजाहत आनी चाहिए मरियम नवाज की तरफ से या उनके जो तबलती हैं, जो तबलची उनके जो वो करीबी कड़छे चमचे और मेरे मंसूर और मेरे मेजबान से लेकर दीगर जो हैं, वरना फिर इनको भी अगर बुशरा बीबी पर ये इल्जाम है कि वो जादू टोना करती है तो आज ये जजत पर कहीं जादू टोना तो नहीं कर रही थी, ये सवाल मेरा ख्याल है उनको खुद क्लियर करना चाहिए। उसी को हम तस्लीम कर लेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।